रश्मि किचन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बच्चों का फेवरेट स्नैक्स स्माइली बनाना बताने जा रही हूँ, जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो आइए स्माइली बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए 200 ग्राम मैंने आलू लिया है, इसे मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करते समय आप एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि आलू फटनी नहीं चाहिए, नहीं तो इसके अंदर अगर आलू फट जाएगी तो पानी इसके अंदर चला जाएगा, जिससे स्माइली अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सारे आलू को बॉईल किया है बिना फटे हुए। इस तरह से आपको बॉईल करनी है। ये देखिए आलू सारे गर्म है। अब मैं इसमें ये नाइफ के हेल्प से मैंने इसको इस तरह से इसके सारे पिल आउट मैंने कर लेना है। ये देखिए मैंने सारे पिल आउट करके मैंने सारे आलू को रख लिया है। अब मैं इस तरह की एक कटोरी से जो फ्लैट है और उसको इस तरह से, मैं गर्म है इसलिए मैं इसको दबाती हूँ, इसको अच्छे से मैश करना। अगर आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन गर्म है तो मैं इस कटोरी से अच्छे से इसे मैश कर रही हूँ। इसको गर्म में ही आलू को इस तरह से मैश करना है। ये देखिए मैंने अच्छे से सारे इसको सारे मैश कर लिया है मैंने। ये देखिए मैंने बारीक सूजी लिया हुआ है हाफ बाउल, जिसे रवा भी कहते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल सूजी है तो आप उसे मिक्सी में 3-4 टाइम चर्न करके आप उसे बारीक सूजी बना सकते हैं। अब मैं इसको इसमें ये सूजी मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसको हाथों से मसलते हुए इसको मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए अच्छे से सारे मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें ये जो कॉर्नफ्लोर रखी हूँ, मैंने 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, ये कॉर्नफ्लोर मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसको भी अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए अच्छे से कॉर्नफ्लोर मिक्स हो गया। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार इसमें थोड़ा नमक डालती हूँ। स्माइली में थोड़ा नमक कम ही होता है, इसलिए थोड़ा कम ही रखिएगा। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं ये थोड़ा वनस्पति मैंने लिया हुआ है, वनस्पति घी, मैं इसको हाथों में इस तरह से दोनों हाथों में मैं इसे लगा ले रही हूँ, ताकि जब मैं आलू को उठाऊं तो वो चिपके नहीं और आसानी से हाथ में आ सके। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से हाथ में लेकर, और ये मैंने एक प्लास्टिक सीट लिया हुआ है, इसको मैं इस तरह से मैं इस पे थोड़ा कॉर्नफ्लोर डस्ट करूंगी और इसको अच्छे से फैला ले रही हूँ। अब ये जो मैंने आलू का जो मिक्सचर लिया था, मैं इसको इसके ऊपर भी मैं इसको थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालकर इसको धीरे धीरे इस तरह मैं फैला ले रही हूँ। ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। ये देखिए मैंने ये छोटा सा बाउल लिया हुआ है। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप कुकी कटर से भी उसे कट कर सकती हैं। और ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है, इसके अंदर मैं ये बाउल को अच्छे से डिप कर दे रही हूँ और उसके बाद मैं इसको कट करूंगी। ये देखिए मैंने सारे कट लगा दिए। अब मैं इस ये जो एक्स्ट्रा है मैं इसको हटा ले रही हूँ। ये देखिए मैंने सारा रेडी कर लिया है। अब मैं ये एक पीस मैं उठा रही हूँ और ये मैंने एक पेन का कवर लिया हुआ है। अगर आपके पास स्ट्रॉ है तो आप स्ट्रॉ से भी कर सकती हैं। अब मैं थोड़ा कॉर्नफ्लोर में इसको डिप करूंगी और इसके दो इस तरह से मैं आइस बना ले रही हूँ। ये देखिए मैंने इसके आइस बना लिए हैं।
अब मैं इसके स्माइल बनाने के लिए मैंने एक टीस्पून मैंने लिया हुआ है और इसको मैं कॉर्नफ्लोर में डिप कर रही हूँ और उसके बाद इस तरह से मैं इसके ऊपर से नीचे की ओर इसको दबाते हुए मैंने ये देखी इसका स्माइली मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं इसी तरह से सारा स्माइली रेडी कर ले रही हूँ। ये देखिए मैंने सारे स्माइली रेडी कर लिया है। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रीजर में इसको रख दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से हार्ड हो जाए। ये देखिए मैंने फ्रिज से 2 घंटे के बाद मैंने स्माइली निकाली। ये देखिए कितने अच्छे से ये हार्ड भी हो गए हैं और कितने अच्छे से स्माइली बनकर रेडी है। अब मैं इसे फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म कर रही हूँ। ये देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल भी अब गर्म हो गया है। अब मैं ये स्माइली एक एक करके इसको इसमें डालूंगी और इसको फुल फ्लेम पर इसको मैं डीप फ्राई करूंगी। ये देखिए ये एक साइड फ्राई हो गया है। अब मैं इसको इस तरह से टर्न कर ले रही हूँ और दूसरी साइड भी इसको सारा अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। ये देखिए अब स्माइली डीप फ्राई होके रेडी हो गया। अब मैं इसे बाहर निकाल ले रही हूँ। ये देखिए स्माइली बनकर तैयार हो गई है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सभी अपनों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।